अंकित सेरसा उसकी हत्या करने के बाद गोल्डी बराड़ को फोन करके कहते हैं कि आपका काम हो गया है। छह भाई बहन है जिसमें चार बहनें हैं और दो भाइया। लड़का तो बढ़िया था पर इसका हालात अलग कर दिया तो ये कह सका। और ये अंकित का घर। लड़का तो बढ़िया था पर इसका हालात अलग कर दिया तो ये कह सका। लेकिन पड़ोसियों का कहना कि अंकित का व्यवहार गांव में बहुत ही अच्छा रहा और गांव में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप सभी को मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। दोस्तों, जहां एक तरफ हरियाणा ने देश को इतने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, वहीं पर ज्यादातर गैंगस्टर भी हरियाणा से है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अगर हम बात करें तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल ज्यादातर जो अपराधी हैं वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से प्रियव्रत फौजी सिसाना गाँव से है और अंकित सेरसा गाँव से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकित शार्प शूटर की, जिसने सिद्धू मूसेवाला के बिल्कुल नजदीक में जाके दोनों हाथों से 20 गोलियां चलाई थी। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस वक्त हम अंकित सेरसा के गांव में मौजूद हैं और ये अंकित का घर आप देख सकते हैं। उधर से एंट्री होती है और ये मैं कैमरा मैन से कहूंगी आपको थोड़ा इधर से दिखाया जाए, इधर से आगे उधर दिखाया जाए। ये है अंकित सेरसा का घर। ये वही शार्प शूटर है जिसने महज 19 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दूं, जो हमें जानकारी मिली है मैं आपको बताना चाहूंगी कि अंकित सेरसा बचपन से ही शरारती रहा है। 10वीं में फेल होने के बाद उसने एक फैक्ट्री में नौकरी की। लॉकडाउन लग गया, उसके बाद घर बैठ गया। फिर वो अपनी बुआ के घर जाता है, वहां से मोबाइल चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगता है और मोबाइल चोरी के बाद से उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अंकित सेरसा के संबंध लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी और वे उसके इस कार्य पर बहुत शर्मिंदा है। वे साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बेशक से उसको फांसी की सजा दे दी जाए, हमारा अंकित सेरसा से कोई भी संबंध नहीं। आप देख सकते हैं अंकित सेरसा का छह भाई बहन है जिसमें चार बहनें हैं और दो भाई। अंकित अपने परिवार में सबसे छोटा है। अंकित प्रियव्रत फौजी के संपर्क में आने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। गोल्डी बराड़ ने 28 तारीख को गोल्डी बराड़ ने फोन करके कहा कि 29 तारीख को आपको इस घटना को अंजाम देना है। 29 तारीख को गोल्डी का प्रियव्रत फौजी के पास फोन आता है कि पंजाबी सिंगर मूसेवाला के घर का बड़ा गेट खुल गया है और वो अपने घर से निकल गया है। दो साथी उसके साथ है और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ नहीं है। वहीं से उसकी रैकी शुरू हो जाती है और उसको घेर लिया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियों से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अब सवाल यह उठता कि वो पकड़े कैसे गए। जिस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी, बलेरो गाड़ी का यूज किया गया था, उस गाड़ी में प्रियव्रत फौजी और अंकित सेरसा उसकी हत्या करने के बाद गोल्डी बराड़ को फोन करके कहते हैं कि आपका काम हो गया है और उसके बाद ये सभी अपराधी यहाँ पर जश्न मनाते हैं उसकी हत्या के बाद और फरार हो जाते हैं। अपराधी कहीं फरार होने के बाद एक जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं रुके, लगातार ये घूमते रहे और फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा लगे थे, वहां पर इस गाड़ी की पहचान की गई और तभी से पुलिस अलर्ट हो गई और अंकित सेरसा को प्रियव्रत बीते दिनों में प्रियव्रत फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अंकित सेरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंकित ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग में जो हथियार थे वो किसी अनजान आदमी के द्वारा दिए गए थे और हत्या के बाद वो हथियार ले गए। इनके पास से 2 पिस्टल और 19 कारतूस और पंजाब पुलिस की 3 वर्दी से प्राप्त की गई है। अंकित ने जांच के दौरान बताया कि उनका ये प्लान था, अगर ये प्लान उनका फेल हो जाता है हत्या करने का सिद्धू मूसेवाला का 29 तारीख को, तो उसके बाद पुलिस की वर्दी पहनकर वो सिद्धू मूसेवाला के घर में दबिश देंगे और वहां से उसकी हत्या करके फरार हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगी कि अंकित शार्प शूटर महज 19 साल का है। 19 साल में उसने अपराध की दुनिया में इतना बड़ा कदम रख दिया है। जी हाँ, अंकित ने कई वीडियो भी वायरल की है जिसमें अंकित ने
कारतूस के द्वारा सिद्धू मूसेवाले का नाम लिख रखा है और पीछे से उसकी हत्या करने का संकेत जो है दे रहा है। दिल्ली पुलिस सेल ने बताया कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे जांच पड़ताल की जा रही है। उनके गांव में अभी हम पहुंचे, आप देख सकते हैं सिद्धू ये अंकित सेरसा का ये मकान है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह के गाँव की गलियों में किस तरह का सन्नाटा। अब पड़ोसी है इनके मैम, अंकित कैसा लड़का था? अंकित एक लंबर का बढ़िया लड़का था, घना बढ़िया लड़का था, पर वेरा ने उसके के तो यार के नहीं, घना बढ़िया लड़का था, किसे भी इतना सभी कसूर नहीं था उसमें, अपने के एक हालात ना करवाए एक जने उसने करके। जी अंकित ने पढ़ाई कहाँ तक की है, मतलब कौन से स्कूल से पढ़ाई की है? सरकारी स्कूल तकरीबन, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। उसका व्यवहार मतलब सभी के साथ अच्छा रहा है? सभी के साथ, पूरे गांव के साथ अच्छा है उसका। जब अंकित ने ये कांड किया उसका नाम अखबार में आया कि भाई उसने भाई ऐसे हत्या वारदात किया, आरोप लगा उस पर, तो कैसा कुछ लगा, क्या कुछ माहौल था उनके घर का? ये तो बेचारे कंपनी में काम करा है जी, इन तो क्या ही कर, पुलिस आई है जब बेरा लग गया, जब हमारे भी धक्का लग गया इस बात का जी, की क्यों कर हुआ ये काम जी, इन तो क्या ही करने बेरा बेचारा जी, बात नहीं है जी, कंपनी में काम करा जी। इनका अंकित का बड़ा भाई क्या करता है? वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करा जी। इनके घर वाले जैसे कि अभी बाहर नहीं आ रहे हैं और मीडिया से दूरी बना रखी, उन्होंने कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्या कुछ इनका अंकित के बारे में कहना है? अपने ये बताओ, जब ये पहले दुखी है बेचारे जी, हा? ये भी क्या करा जी, अपने बालक ने कोई शिकायत नहीं जी, दुखी कितने हो जिसका बालक ऐसा लिगड़िया हुआ या कोई करवा या कोई कैसे बहका हुआ, तो ये भी क्या कर सके। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अंकित के बारे में? लड़का तो बढ़िया था, पर उसका हालात ना कर दिए तो क्या कह सका, हम तो कुछ नहीं कह सकते जी। पूरे गांव को अफसोस है? पूरे गांव को अफसोस, जो सुना वो अफसोस कर रहा है, लड़का इतना बढ़िया था, एक नंबर का छोरा बढ़िया जी, अभी क्या करे। आप देख सकते हैं कि पड़ोसी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने हमें बताया कि अंकित जो है बहुत अच्छा लड़का था, बचपन से थोड़ा शरारती रहा, एक फैक्ट्री में वो नौकरी करता था, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं पता कि अचानक से क्या हो गया, इतना अच्छा लड़का किस तरीके से जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है, और एक बड़ा अपराधी, हरियाणा का एक बड़ा अपराधी महज 19 साल की उम्र में शार्प शूटर बन जाता है, सजा दी जाएगी, तो क्या कुछ उनके परिवार का कहना, मतलब संबंध रखेंगे अब उससे वो? जी बात हम के कह सकते हैं, देखो हम तो पड़ोसी है, पर जो भी करे हो गलत काम तो है ही, इस बात हम नहीं कह सकते ना कुछ। तो आप देख सकते हैं पापा बहुत दुखी है बेचारे, मान भी दुखी है, सब भी पूरा गांव दुखी है जी, अब भी बालक ने करया है, किसी ने करवाया है, कैसे भी है, नहीं पहले बहुत ही बढ़िया व्यवहार था उसका जी। तो आप देख सकते हैं कि पड़ोसियों का कहना कि अंकित का व्यवहार गांव में बहुत ही अच्छा रहा, और गांव में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, पूरा गांव इस वक्त सदमे में है, और ये अचंभित है कि आखिर अंकित ने ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 19 साल का बच्चा अपराध की दुनिया में इतना बड़ा जुर्म कर देता है, आखिर ऐसी क्या माहौल बना, ऐसा क्या हुआ अंकित के साथ, किसके संपर्क में आया था अंकित ने, ऐसा क्या कुछ किया, पूरा गांव और उनका परिवार इस वक्त सदमे में है। ये थी हमारी सिरसा गांव से खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय हरियाणा।